जी मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर पधार चुके, जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों से जोरदार मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। भाजपा जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सबके लाडले आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय भजनलाल जी हमारे बीच मंच पर पधार चुके हैं। नागौर की इस पावन धरा पर आपका स्वागत अभिनंदन। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे नागौर की प्रत्याशी आदरणीय बहन ज्योति जी मिर्धा आपसे निवेदन करूंगा बुक्का भेंट करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। नागौर शहर के जिला अध्यक्ष श्री रामनिवास जी सांखला आपसे निवेदन, साफा पहनाकर राजस्थानी परंपरा से सीएम साहब का आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का साफा पहनाकर राजस्थानी परंपरा के अनुसार नागौर की धरा पर स्वागत करें। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ओडिंट दुपट्टा ओढ़ाकर आपका स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फिर एक बार नागौर की धरती पर स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा अपने स्थान पर विराजे। हमारे बीच उपस्थित है हमारे पीएचडी मंत्री कैबिनेट मंत्री आदरणीय लाल जी चौधरी। मैं रमाकांत जी शर्मा से निवेदन करूंगा आपका दुपट्टा ओढ़ाकर जो हमारे लोकसभा के संयोजक हैं प्रभारी कन्हैयालाल जी चौधरी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय सीआर चौधरी साहब का, श्रीमान अशोक जी सैनी हमारे लोकसभा के आगे है दुपट्टा आगे पधार रहे हैं सब। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष रामनिवासी सांकला गजेंद्र सिंह जी ओडेंट रमाकांत जी शर्मा अशोक जी सैनी और लक्ष्मी नारायण जी मुंडेल से निवेदन करूंगा कि नागौर की इस पावन धरा पर अभी प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बना है। प्रभु श्री राम जी की मूर्ति हम सब की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। दोनों जिला अध्यक्ष प्रभारी सह प्रभारी आदरणीय ज्योति जी मिर्धा, क्लस्टर प्रभारी प्रसन्न चंद जी मेहता, हमारे राज्य मंत्री मंजू जी बागमार, विजय सिंह जी चौधरी, हम सब की ओर से प्रभु श्री राम की मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मैं हमारे चिकित्सा मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खींवसर के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा श्री श्याम प्रताप सिंह जी राठौड़ सह संयोजक आप पधारे और गजेंद्र सिंह जी खींवसर का दुपट्टा ओढ़ाकर हमारे इस मंच पर स्वागत करें। काफी समय से हम यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए हैं। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नागौर शहर के जिला अध्यक्ष भाई श्री रामनिवास जी सांखला को आप पधारे और हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत उद्बोधन करें। आदरणीय श्री रामनिवास जी सांखला। राम राम सा। भारतीय जनता पार्टी की इस नामांकन रैली में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई साहब भजनलाल जी शर्मा, कैबिनेट मंत्री भाई साहब कन्हैयालाल जी चौधरी, बहन मंजू जी, विजय जी चौधरी,
हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन ज्योति जी, सीआर साहब और सम्मानित मंच, सामने बिराजे हुए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, महिला शक्ति और मीडिया बंधुओं, आप का एक चुनाव 19 तारीख का हो रहा है और वो चुनाव को प्रथम चरण है। मैं अब आप सभी भाइयों बुजुर्गों को निवेदन करूं कि भाई साहब बजनलाल जी नागौर को अपन को बहुत लाड रखे, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जायल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में जायल से शुभारंभ कर और नागौर को मान सम्मान बढ़ायो। पूरे बाद भारतीय जनता पार्टी को गांव चलो अभियान में आपा के साथ दो दिन रिया और रात्रि विश्राम वो गांव में करियो, और विश्राम ही नहीं, आप बटे बहुत बड़ी मिसाल दी। एक साधारण परिवार हरिजन बंधु के बेटे जापरोर रात्रि को खानो भी लियो और आज आप आगे चुनाव में नामांकन ई रैली में पधारिया, इस वास्ते एक बार फिर मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भाई साहब बदलाल जी आपने विश्वास दिलाया चरण को चुनाव है और यह चुनाव में मोदी जी बनकर हर कार्यकर्ता गली गली में और बच्चों मोदी जी के साथ कंधों कंधों मिलाकर खड़ो है। और अभी विश्वास दिलाऊं कि यह भारतीय जनता पार्टी आ बोणी आपने करावली और जाटा की बोणी बहुत ही तगड़ी मान्याग्रह में लोग तो सगड़ा बोवनी करावला ना भाई, पूरी तरह से 5 लाख पार, तो आप बोवनी करावला तो जिको मोदी जी को वादो है कि ये बार 400 पार, तो ओ वादो ये बोवनी के साथ आ नागौर की जनता आपके साथ खड़ी है और आपने बोवनी करा ली। आप सभी पधारिया चिलचिलाती धूप में आप लोग लगातार 5 घंटा से सुनती आओ और इस वास्ते आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार। अब समय कम है, मैं मारवाड़ी नटी विराम दे दूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है, स्वागत है, मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जय भारत, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष जी द्वारा हम सबका भावभीना स्वागत। नागौर जिला में पानी की समस्या सगड़ा मोटी है। मैं मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दूं कि नागौर लोकसभा का प्रभारी मंत्री बनार आप पानी वाला मंत्री जी ने भेजा है, इनके वास्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करो आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी, आप पधारो और आपकी बात हो आप मां सब लोगों ने लाभान्वित करो। आदरणीय चौधरी साहब, भारत माता की। नागौर लोकसभा प्रत्याशी हमारी बहन डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी के आज नामांकन रैली में राजस्थान के भागीरथ किसानों के मसीहा, जिन्होंने 90 दिन में राजस्थान में एक पानी को लेकर एक नई इबारत लिखी इतिहास में, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी मंच पर विराजमान, विधानसभा में और कैबिनेट में आदरणीय भजनलाल जी के कंधे से कंधे मिला के चिकित्सा मंत्री का काम देख रहे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे
विजय सिंह जी, मंजू जी बागमार पार्टी के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, रामनिवास जी, और जो क्लस्टर का और काफी टाइम से अनुभव गया, जो आज हमें सबको मार्गदर्शन, प्रसन्न जी मेहता, आदरणीय सीआर साहब, जिन्होंने हमें किसानों के हित के लिए जो कानून बनाने में कहीं ना कहीं सरकार को मार्गदर्शन देने के लिए जो आयोग बनाया, ऐसे जिनका अनुभव बरसों से हमें मिलता रहा, इसके लिए मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और आज वो मंच पर विराजमान है, इनका लाभ हम किसानों को मिलेगा। मंच पे विराजमान सभी पार्टी के जो पदाधिकारीगण, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रहे, सम्मानित मंच और सामने विराज हुए सभी किसान भाइयों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने 5 साल से जिस तरह से राजस्थान के अंदर किसानों के भला के लिए जो 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे थे, किसानों के जन कल्याणकारी योजनाओं काम कर रहे थे, 5 साल में जो झूठ बोल के जो सरकार बनी, कर्जा माफी से लेके बेरोजगारी भत्ता, बिजली के दरें नहीं बनाना, ऐसी सरकार को आप लोगों ने उखाड़ फेंका और डबल इंजन की सरकार बनाई। इसके लिए नागौर की जनता को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने जो पिछले 5 साल से जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने नागौर की जनता के लिए जो महत्वपूर्ण योजना पानी की जो लेके आई थी, वापस वही योजना जो बचावा काम अधूरा था 2017-18 में जो योजना बनाई थी, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट और यमुना का जो समझौता, चुरू सिकर झुंझुनू को जो लाना था पानी, उस योजनाओं को मूर्त रूप लाके उसकी DPR बना के आने वाले 3 महीने के अंदर जो काम चालू करने जा रहे हैं, इसके लिए पूरी राजस्थान की जनता, लगभग 70% जनता का जो भला करने आपने किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आप सब लोगों को। क्योंकि जो महत्वपूर्ण जो पानी नागौर की जनता और राजस्थान की जनता, जो पश्चिमी राजस्थान की जनता को अगर पानी मिल जाए, खेतों में पानी मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए, उससे बड़ा पढ़ने कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ये हमारी सरकार ने आदरणीय भजन लाल जी की नेतृत्व में काम किया। पानी चूरू सिकर और झुंझुनू, पीने का पानी और खेतों के लिए पानी आएगा। कई लोग पूछते हैं नागौर में, मैं पिछले 15 दिन से आपके बीच में रह रहा हूं, साहब हमारे नागौर का इससे क्या फायदा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो पानी राजस्थान केनाल से चूरू में जा रहा है, झुंझुनू में जा रहा है, सिकर में जा रहा है, वो पानी बचेगा, वो पानी नागौर की जनता के लिए आएगा, नागौर की जनता के लिए आएगा। जो ईस्टर्न राजस्थान केनाल में, इसके अलावा अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और कुछ करने जा रहे हैं, किस तरह से नर्मदा का पानी बढ़े, किस तरह से जो पानी जो हमारे राजस्थान केनाल का बाड़मेर और जून जिलों के अंदर जो जा रहा है, उस पानी को फिर बचा के जो बीकानेर और चूरू जिले में ज्यादा पानी कैसे, उसके लिए भी ये बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी कह रहे थे रामनिवास जी की हमारे यहाँ 40 लाख टन मूंग होता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के अंदर जब उन्होंने प्रण लिया था किसान की आमदनी 2024 तक में डबल करूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 में मूंग का समर्थन मूल्य और बाजार में 3200 रुपए बिकता था, समर्थन मूल्य 4000 रुपए था। आज हमने डबल किया, डबल ही नहीं किया, उसको खरीदा भी सही। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि 2014 के अंदर कोई भी चीज सामान करे तो उसकी गारंटी सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है। अगर उसमें कहीं लॉस प्रॉफिट होता है, क्योंकि खरीद करती है नेफेड, सीआर साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि खरीद कौन करता है, ये उस विभाग के अंदर देख रहे हैं, नेफेड खरीद करती है और उसकी गारंटी केंद्र सरकार देती है। 2014 तक सिर्फ 5000 करोड़ की गारंटी होती थी। आज आप लोगों को धन्यवाद दो यशस्वी हमारे मुख्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने उस गारंटी को 10 साल में बढ़ा के 55000 करोड़ रुपए दे दी। इस वजह से आज हम जो मूंग पहले मंडी में केवल 2 बोरी 1 बोरी नहीं खरीदते थे, आज किसानों की 40-40, 30-30 बोरी खरीदते हैं, और वो भी 8500 रुपए। ऐसे बहुत से काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसानों को नहीं, हर गरीबों के लिए काम किया। सारी बातें आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बनाएंगे, समय की कमी में तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से 5 साल तक जो जिम्मेदारी मेरे को दी है, इस विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से इस योजनाओं को इन्होंने लटकाया, जो 2024 मार्च तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थी, उस योजनाओं पर इन्होंने काम नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया। इस योजनाओं को आदरणीय
हमारे भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि नागौर के एक भी गांव को एक भी घर को 55 लीटर पानी में आने वाले साल भर में हम देंगे और योजना को पूरा करेंगे। जो जनता का है उसको कंप्लीट देंगे। नागौर में पानी की कोई समस्या नहीं रहने देंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। जो जिम्मेदारी है हमारी, जो सरकार जो हमारे जिनके नेतृत्व में जो आज ये काम करे इनके नेतृत्व में हम कोई कमी नहीं रखने देंगे नागौर की जनता के भला के लिए। आप सब लोग पता रहे काफी समय तक आप लोग इंतजार किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी देता हूं, आप लोगों से माफी भी मांगता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मिनक पड़ेरा दर्शन दुर्लभ, नेम धर्म खूंटी टांग्या, दोनों हाथों लूट मची है, बरसे सोनो बिन मांग्या, भोला डाला पड़िया बापड़ा, दुष्ट हो रिया मालो माल। आदरणीय कन्हैयालाल जी बा दुष्टाउं लार छुडावण के वास्ते आपने धन्यवाद दियो, बधाई दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और धन्यवाद देने चाहूं कि आपने किसाना का लाडना आदरणीय सीआर चौधरी साहब ने कैबिनेट मंत्री को दर्जो देर किसान आयोग का चेयरमैन बनाया। आपको एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूं आदरणीय सीआर चौधरी साहब ने कि आप भी संक्षेप में आपकी बात महासभा के बीच में रखो। आदरणीय सीआर साहब बोले, भारत माता की। नागौर की आवाज इतनी धीरे कैसे भाई? बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी की लोकसभा क्षेत्र नागौर से नामांकन रैली में पधारे हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और सबको साथ लेके चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे बीच में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर माने गजेंद्र सिंह जी, माननीय कन्हैयालाल जी, विजय सिंह जी, मंजू जी और राज्यसभा सदस्य राजेंद्र जी गहलोत साहब, और मैं अब ये कहूँ सम्मानित मंच के करके सभी से माफ़ी मांगते हुए कि बिना नाम लिए, क्योंकि मुझे 5 मिनट का समय है, क्योंकि सीएम साहब को जाना भी आगे भी कई जगह, तो सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए देवतुल्य मेरे भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों और मीडिया से आए मेरे मित्रों, सबसे पहले मैं आप सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। आज ठीक 100 दिन का कार्यकाल हुआ है, किसी भी मुख्यमंत्री ने 100 दिन के कार्यकाल में एक जिले को 3 बार और एक नाइट होल्ड नहीं दिया है, आज तक का इतिहास है। मैं इनको नागौर से विशेष लगाव, विशेष प्रेम के कारण ही जायल के बाद में देव हमारे खरनाल तेजा जी के, लक्ष्मीदास जी महाराज के, तेजा स्थली जहाँ बच्चियों की संस्था और गोगेला और सब जगह पधारे, और आज निर्वाचन और नामांकन भर रैली में भी आप पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत नागौर की तरफ से अभिनंदन सर। दूसरा अभिनंदन और साधुवाद और धन्यवाद और देंगे सर, हमारी इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 असेंबली सेगमेंट है इस संसदीय क्षेत्र में, 8 में से हम 2 जीत पाए, हमारे 2 ही सदस्य जीते, दोनों को आपने मंत्रिमंडल में लिया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। तीसरा, नागौर के ही हैं लेकिन लोहावट से चुनाव जीत के आते हैं, लेकिन हमारा अधिकार गजेंद्र सिंह जी पे पूरा है, इस कारण से आपको भी हमारे में ही सम्मिलित करेंगे। और अंतिम धन्यवाद, क्योंकि मैंने कहा ना नागौर से विशेष प्रेम है किसानों से, तो आपने नागौर के गौरव को बढ़ाने के लिए और नागौर के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए नागौर के मैं आप ही का एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो आपने सम्मानित किया उसके लिए भी मैं हृदय से स्वयं आभारी हूँ, और नागौर की जनता की ओर से भी आपको हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि किसानों के लिए हम कुछ काम कर पाए। आपने देखा पहले भी हम लोग काफ़ी किसानों के लिए काम करते रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए नागौर जिले को आपने एक तोहफा दिया, उसके लिए भी हम आपके आभार। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ 2 मिनट में, भारत को यदि श्रेष्ठ भारत देखना चाहते हैं तो कृपया मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, और मोदी जी के हाथ तभी मजबूत होंगे जब नागौर में अपन कमल खिलाएंगे और कमल को जिताएंगे।
दोस्तों और मित्रों, न कोई कैंडिडेट है, किसी का नाम फाम जरूरत ही नहीं है। अपने दिमाग में कमल का फूल और केवल नरेंद्र मोदी और राजस्थान के भजनलाल जी शर्मा का ध्यान रखना। हमारी ये इज्जत का सवाल है कि यदि नागौर के अंदर यदि हम लोग नहीं जीत पाते हैं तो वास्तव में ये एक शर्मनाक बात होगी नागौर के लोगों को, कि इतना महत्व देने के बाद में मुख्यमंत्री नागौर का इतना ध्यान रखने के बावजूद भी यदि नागौर कई कई लोगों के भ्रम में और भ्रमित नहीं हो जाए, इसलिए आज नामांकन रैली में आपसे निवेदन है, आप कृपया देखें काम कौन कर रहा है। मोदी जी का एक ही है, वो काम में विश्वास रखते हैं और काम की गारंटी भी लेते हैं। यानी मोदी की गारंटी जो है, आज तक 2014 से 24 तक जो कहा वो किया, और एक तरफ अपने 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट देखिए, जो कहा वो किया नहीं और जो लास्ट में किया उसको पूरा नहीं कर सकते थे, वो पूरा करने के लिए सारा भजन जो है माननीय भजनलाल जी के कंधों में छोड़ के और अपना विदाई ले ली मैंने। तो ऐसे लोगों के और अपने नेता के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि 5 साल में काम तो करिया को ने हाका करना कर रहा है मैंने। तो अब बिना हाका करने वाले काम करने वालों को जिताओ। मैंने जो काम किए वो मेरे नहीं है, आपने जिताया और मोदी जी ने जो किया नागौर के अंदर आज तक का इतिहास है। 2014 से 19 तक का 5 साल का लेखा जो कल देख लो, हम हर साल ये किताब छाप के देते थे, हमारे ये काम किए, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे आपका ये रोड्स नेशनल हाईवे जो निकले हैं ऐसे ही नहीं निकल रहे हैं, ओवर ब्रिजेस बनाने में नागौर सबसे आगे रहा है। इसी प्रकार से आपका मेडिकल कॉलेज 325 करोड़ रुपए का जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो मोदी जी की देन है। एग्रीकल्चर कॉलेज बना वो राजस्थान सरकार वसुंधरा जी उस समय सीएम थी, हम चाहते थे कि एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय नागौर के पास में एक कॉलेज भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि 90 करोड़ रुपए सैंक्शन करते हैं हम आपको नागौर के लिए, भविष्य में ये यूनिवर्सिटी का रूप धारण करे। और आज नंबर 1 कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज है, दैट इज इन नागौर। तो ऐसा सेंट्रल स्कूल आजादी के बाद में सेंट्रल स्कूल नहीं थी नागौर में, वो आपकी नागौर में हमने सेंट्रल स्कूल आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा, आगे भी हम काम करेंगे और ज्योति जी जीतेंगे तो हम आपको ये गारंटी दे सकते हैं, आज की ज्योति जी आपकी तरफ से गारंटी दे ही देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई झंझट नहीं आएगा, सारे काम होंगे और विकास की गंगा बहेगी। वास्तव में नागौर को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे लोगों को लाओ जो वास्तव में गवर्नमेंट में भागीदारी करे। आज मान लो हमारा एमपी होगा तो निश्चित रूप से ये तो मान के चलो अब की बार 400 पार सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी की 30वीं बार सरकार बनेगी और 400 के पार जाएगी। थे गलती कर दी तो आपो पता मूर्ख दुनिया में तो कोई कौन ला देला। इस वास्ते आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को जीता है, कमल के फूल को खेला है, और जो मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी केवल 100 दिन पूरे किए हैं, 100 दिन में हमारा जो संकल्प पत्र बहुत बड़ा था और बड़े बड़े वास्तव में काम हाथ में लिए थे, उसमें से 45% काम पूरे कर दिए 100 दिन के अंदर। इससे बड़ी खुशी की और एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर मिल नहीं सकता। निर्णय लेने में मतलब मैं आपको बताऊं, मैं तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी आपको, बोर्ड बनाने में 3-3 साल लगाते थे मुख्यमंत्री, आपने तो 3 महीने के अंदर बोर्ड सारे लो, तुम तो काम तो करो। तो ये है एफिशिएंसी, और इसी को कहते हैं काम करने की क्षमता, काम करने की दूरदर्शिता भी है। आगे जाके हमारा आज यदि मान लो लास्ट में एक साल के लिए मुझे किसान आयोग का बनाते, व्हाट कैन आई गिव, क्या मेरा क्या जनता को प्रोडक्शन दिखा, क्या काम बताता। मिलकर के किसानों, आज जो किसान आयोग बनाया है आपके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसान आयोग शानदार काम करेगा। पहला मुख्यमंत्री जी ने एक पहले ही दिन कहा किसानों की मीटिंग में टोंक वालों के साथ में, कि हम जैसे सरकारी नौकर 10 बजे 9 बजे जाता है ना ऑफिस जाके 5 बजे आ जाता था, आप भी भाई लोग हगड़ा आप आपका फार्म हाउस पाते 9 बजे जाओ, खटको दबाओ और बिजली चालू ट्यूबवेल चले ला, रात का थाने दुख पाउंड की जरूरत कौन पड़ेगी 6 महीने बाद है। अभी बिजली का इतना बड़ा समझौता किया है,
बिजली दबाव मिलेगी, आपको इच्छा अनुसार मिलेगी और वास्तव में किसान सुखी होगा कि हमें दिन को ही 8 घंटे बिजली मिल जाती और 8 घंटों में ज्यादा था ट्यूबवेल में पानी भी वो नहीं मिला। इस वास्ते ये पहला काम है खरीद का। MSP पे खरीद में भी मुख्यमंत्री जी ने पूरा ध्यान दिया है और हम इसको और ज्यादा एफिशिएंटली खरीदेंगे। 5 मिनट हो गए बस, अब ज्यादा समय नहीं, तो किसानों के लिए आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार कार्य होंगे, यही मैं आपको वादा दिला सकता हूँ। भारतीय जनता प्रधानमंत्री किसान हितेशी आपको श्री अन्नदाता कहता है, हमारे मोटे अनाज को श्री अन्न कहते हैं और सेम वे एक छोटा किसान काश्तकार का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री है, इसलिए किसानों चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय CR चौधरी साहब का। सुगठित सुंदर स्वस्थ होतन, निर्मल भाव विचारे मन, परिपूर्ण व्यक्तित्व निखारे, माटी से निकले कुंदन। नागौर जिले में ऐसे बहुत सारे कुंदन हैं, मैं आमंत्रित करूंगा जो संपूर्ण राजस्थान के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खींवसर आप पधारे और अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से खींवसर साहब का स्वागत। परम आदरणीय अपना यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब, अपना तीनों मंत्रिमंडल रा मंत्री अठे विराजमान, आपने पानी रो महकमो जो दियो मंत्री जी, अबार आपने बात भी करी कन्हैया लाल जी, हमारे लोग कहवे कि भाई मारे कांग्रेस के मानी मंजू जाए लू माँ क्यों मानी मंजू बाग मारे बीजेपी मंत्री बनाए थी हम कले माने विजय सिंह जी भाई साहब माना या तो भगवान की मूर्ति या चित्र माते हरदम हंसता देखा या एने चेहरा माते हरदम हंसता देखा माँ। और हमारे CR चौधरी साहब मुख्यमंत्री, आपने इनका बुढ़ापा सुधार दिया आपने, और आप रे बीच में गजेंद्र सिंह पहलो चुनाव जी को है 2003 में अठे जीतियो ई नागौर विधानसभा हूं, आगे नंबर प्लेट RJ21 है, लारे है RJ19, सेवा में हरदम आप रे वास्ते हाजिर हूं मैं। आ झंडा देख रहे हो नहीं आप, ए भी भाजपा रा झंडा है जो 2003 में ऐतिहासिक 9 विधायक जीतन आया 10 में हूं और जनता मुख्यमंत्री जी ना कियो कि भाई 9 सीटा ऐतिहासिक जिताई है, सब पार्टियां सब नेता वादा करता आया आजादी हूं कि नए रोपानी देवला ना रोपानी देवला, और 2003 में आप बीजेपी सरकार है जो आपने नए रोपानी दी, आपने आप बीजेपी सरकार है अटल बिहारी जी जिन्होंने जाटों को आरक्षण दिया, ये बीजेपी सरकार है जहां हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको 4 मंत्री दिए आपको, और यही बीजेपी सरकार है जो अडवाणी जी 1992 लड़ता 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 लाठी खाई जेल में गया सब कुछ गया और आज एक सपनों साकार हुई हो, और माने खुशी है कि मानी जो पीढ़ी है और माने बच्चा री और माने बुजुर्ग री जो पीढ़ी है आ कह सके कि राम मंदिर जो है हम जब जिंदा थे हमारे राम मंदिर बनाए, और जिको वोट है और जिको वोट है और ज्योति जी रे खाता में नहीं है खाली ई वोट हूं मोदी जी बनेला प्रधानमंत्री और मोदी जी रो वोट है, और हम कले सब जातियां नागौर जिला री 10 सीटारी कड़ी मेहनत कर और ज्योति जी ने कम 3 लाख वोटा जितान लेवा आपने वादो है, वोट आप रे हाथ में देखो राजस्थान रे मायने कांग्रेस वाला दरवाजा तोड़ तोड़ बीजेपी में बढ़ गया, हगला भी जितना भी नार है नहीं अगला अगला नार तो आएगा बीजेपी मायने लारे कहीं दियो बताओ, ए देखो आपने रिचवाल जी मिर्जा भी राजा मंच माते एक नार तो यही है अपने बीच में, तो इतो ही अर्ज है कि जीत वेला चत सब जातियां ADU चोटी मिल आपसी ताकत में कर
और जो 20 दिन रो मेलो है सब वादो करो कि सब जातियां आप मिलन चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा, हाथ ऊंचा कर लो भाई। सब जातियां मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाना कि नहीं बनाना है? जय भारत, जय हिंद, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, भजन लाल जी की। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी साहब का उत्साह हम सबके सामने प्रकट हुआ। हम सबकी लाडली नागौर लोकसभा की प्रत्याशी बहन डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी को मैं आमंत्रित करूं एक बार जोरदार तालियों से। ज्योति मिर्धा जिंदाबाद, ज्योति मिर्धा जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो राम सा पीर की, बोलो करणी मात की, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की। लाला नाराज हो जाए जना 33 करोड़ देवी देवताओं की। बंसी वाले की बड़ी स्पेशल वाली बुलवाते हैं सर। बोलो मोर मुकट बंसी वाले की जय। खोमा खोमा। ये भाई नागौर शहर में जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था तो आकर के सबसे पहले जय लगानी सीखी थी। बहुत ही जोरदार रूप जब एन की जय बोले। आज इस मंच पर नामांकन रैली में उपस्थित हमारे बीच में मैं तो कहूं कि आज के युग के भागीरथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे ही सबसे सीनियर और आप लोगों के बीच में प्रतिनिधित्व कर चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके और अभी इस सरकार में किसान आयोग के चेयरमैन बने परम आदरणीय सीआरजी चौधरी साहब, हम सब की सेहत का ध्यान रखने वाले और अभी अपना जोरदार करंट वाला भाषण देने वाले आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीम सर, और अगर कोई एक महकमा पूछे कि नागौर की और राजस्थान की दृष्टि से अगर सबसे इंपॉर्टेंट महकमा है तो कौन सा है भाई बताए दो। पानी जना अपना प्रभारी मंत्री आदरणीय कन्हैया लाल जी साहब, विशेष तौर खीम सर में जटी अर्जी लाग सके नहीं है, रेवा जी अर्जी जरूर लगाया करे आपकी। हमारे बीच में हमारे क्लस्टर के प्रभारी आदरणीय प्रसन्न चंद जी मेहता जी, हमारे सह प्रभारी अशोक जी सैनी साहब, हमारे लोकसभा के संयोजक रमाकांत जी शर्मा जी, मंच पर उपस्थित पुखराज जी पहाड़िया जी, हमारे जिला अध्यक्ष शहर के राम निवास जी सांखला जी, मेरे बहुत ही आदरणीय और आप सबके बहुत ही लाडले जिन्होंने अभी अपना इतना जोरदार भाषण दिया और समा बांध करके बहुत देर तक रखा, आदरणीय रिचपाल जी मिर्दा जी, नागौर देहात के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह ऑडेंट जी, हमारे बीच में हमारी यहाँ की सबकी लाड की विधायक बनी और उसके बाद सरकार के आशीर्वाद से नागौर के दोनों विधायक है हमारा मंत्री बन गया मंजू बागमार जी और जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ऐसे विजय सिंह जी, जिन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे चुनाव में साथ दिया। उम्र का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ, मैं कहूं आज 18 वर्ष का कोई युवा चलता हो ऐसे पूरे चुनाव में विधानसभा के समय मेरे साथ रहे आदरणीय मोहन राम जी चौधरी साहब, और बाबा की जो कर्म भूमि थी मेड़ता, वहां से हमारे बीच में पधारे आज हमारे MLA भाई लक्ष्मण जी करलू जी, खीव सर के बहुत ही हमारे जोरदार उम्मीदवार रेमत जी डांगा जी, मां के हम ही प्रत्याशी है जगह के गोली सुनीज की कान कनू निकल गई बचगा जब गोली निकली सुनाई दी शू कर जाती। मकराड़ा में हमारी बहुत ही प्रतिभावान उम्मीदवार रही जो अभी वर्तमान में प्रधान है बहन सुमिता जी चौधरी जी, पर्वत से पधारे हमारे
पूर्व विधायक रहे हुए हमारे बहुत ही आदरणीय मान सिंह जी केंसरिया जी, मेड़ता से पूर्व में विधायक रहे भाई सुखराम जी नेतड़िया जी, हमारी यहाँ की प्रथम नागरिक बहन मीतू बोथरा जी, लाडनू से हमारे प्रत्याशी रहे आदरणीय करण सिंह जी, करणी सिंह जी, जिन्होंने अभी आपको बहुत जोरदार तेजा सुनाया और जिसने पहली बार जाकर के अगर कभी विधानसभा में तेजा गाया, ऐसे हमारे बीच में रूपाराम जी मुरावतिया जी। कई नेता क्लेम ठोकते हैं कि पार्लियामेंट में हमने बुलवा दिया, लेकिन पहला जो श्रेय जाता है वो रूप जी मुरावतिया को जाता है विधानसभा में तेजा गाने का। हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद और हमारे यहीं के स्थानीय आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत जी, डीडवाना से हमारे बीच प्रत्याशी रहे भाई जितेंद्र सिंह जी जोधा जी, पूर्व में डेगाना के विधायक रहे, जो अभी बता रहे थे हमारे मंत्री जी, कह रहे थे गेट तोड़ करके आए, उनमें से मेरा भाई विजयपाल मिर्धा, मेड़ता के प्रधान संदीप चौधरी जी, हमारे जिला प्रमुख भागीरथ जी चौधरी साहब, हिमता राम जी बांबू जी, मेरे ख्याल नागौर में एक ही पद्मश्री है, पूर्व में विधायक रहे और बहुत ही अच्छे समाज के नेता रहे आदरणीय श्री राम जी बीचर साहब, खींवसर के प्रधान जिन्होंने आरएलपी छोड़ करके निर्दलीय प्रधान बने और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके रेवत जी के साथ पूरे चुनाव में लगे रहे, ऐसे जगदीश जी विड्यासर जी। हमारे बीच में हम सब के बहुत ही सीनियर बुद्धा राम जी गरवा साहब, जो अभी मंच का भी संचालन कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई लक्ष्मी नारायण जी मुंडेल जी, जिनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है मंच संचालन की, गोविंद जी कुमावत जी, नवनील जी गौड़ साहब, रमेश जी ऊपर अपूर्व जी, आदरणीय जगबीर जी छाबा साहब, राजेंद्र जांगीर जी जो कि प्रदेश मंत्री हैं ओबीसी मोर्चे में, प्रकाश भाकर जो प्रदेश मंत्री है किसान मोर्चे में, श्रीमती सुनीता जी रांडड़ जो प्रदेश उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा में, श्याम प्रताप जी जिन्होंने अपने बहुत ही मेहनती आदमी है और जो अभी सह संयोजक है लोकसभा में, आदरणीय भोजराज जी सारस्वत साहब जो स्पाइस बोर्ड में अभी मेंबर है, हमारे बीच बहुत ही सीनियर जिनका मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगी जो जोधपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, ऐसे रामनारायण जी डूडी जी, नंद किशोर जी सदावत साहब भूमि विकास बैंक के चेयरमैन, तेजाराम जी देड़ू जी जिनका एक बहुत बड़ा योगदान था जायल में सब लोगों को साथ लेकर के चलने का, मंजू जी की जीत का श्रेय इनकी इनकी टीम को और इनके साथ जो भी लोग लगे थे उस समय उन सबको जाता है, भाई भागीरथ जी मैरिया जी, जगन्नाथ जी बुर्डक जी, बिरमदेव सिंह जी, रामचंद्र जी उत्ता जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, और भाई मैं किसी का नाम रह गया हूँ क्योंकि मुझे भीड़ में भी ऐसे बहुत लोग दिख रहे हैं जिनको मैं अगर सच कहूं तो उनका वो कद है कि उनको आज इस मंच पे होना चाहिए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगी कि शायद मंच पर आप नहीं आ सके, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में बताते हैं, ऐसी पार्टी जिसमें हमारे मुख्यमंत्री अपने आप को मुख्य सेवक के रूप में बताते हैं, ऐसे में मुझे लगता है हमें सबको गर्व होता है, चाहे हम मंच पे इस तरफ बैठे हो चाहे सामने सुनने वालों में बैठे हो, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसी सरकार ने जब 115 विधायक आए थे तो आप लोगों के बीच में बैठने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मैं समझती हूं आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बहुत जोश में है, मुझे नहीं लगता कि कहीं उनको हमें और जोश दिलाने की जरूरत है, लेकिन ये जोश कायम रखना पड़ेगा। आज हम सब यहां क्यों आए हैं? कोई कहता है ज्योति मिर्धा का चुनाव है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उसको वोट देना है, उसके समर्थन में हम यहां आए हैं। कुछ मेरे साथियों ने मंच से बोला कि भाई ज्योति मिर्धा का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी का चुनाव है, तो ज्योति को मत देखो, मोदी जी को देख करके वोट दो। लेकिन मेरी इतनी औकात तो नहीं, फिर भी मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि ना ये ज्योति मिर्धा का चुनाव है, ना ये मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव है हमारी आने वाली पीढ़ियों का। आपका वोट जाएगा मोदी जी को मजबूत करेगा, और मोदी जी क्या काम करने लग रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं कि हर एक भारतीय का मान सम्मान बढ़े,
भारत का मान सम्मान बढ़े और उसमें आप हम सब शामिल हो जाते हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिलाओं का वर्ग हो, भाई हम सभी भारतीय हैं। और अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब का भला होगा। मेरे लिए ना तो नागौर नया है, ना आप लोगों के लिए मैं नई हूं। 2009 में आई थी, पिंडलिया कांपती थी भाषण देते हुए, हाथ जोड़ से आप लोगों से यही कहा था, भाई बाबा की पोती हूं, अब की बार वोट दो, प्रयास करूंगी काम कराने का, और अगली बार आऊंगी जब आपके अपने काम के नाम पे वोट मांगूंगी। आप लोगों ने बहुत वोट दिए, जिता करके लोकसभा में भेजा, और आपके आशीर्वाद से वहां पहुंचने के बाद मैंने काम करवाने का भरसक प्रयास करा। जिस नहर की बात अभी मंत्री जी कर रहे थे, मुझे गर्व होता है कि उस पहले फेज का इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल के दो फेज बने। पहले फेज के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी उस टाइम पर, और पहले फेज का जो प्रोजेक्ट था वो उनके राजकाल में राजपाट के टाइम पे पास हुआ, स्वीकृत हुआ। मैं तो पहली बार की सांसद थी, मुझे सब लोग कहते थे कि सबसे बड़ी समस्या पानी की है। स्वर्गीय बाबा का भी सपना था कि किसी तरह नागौर में नहर आए। मैंने वहां पे दिन रात मेहनत करी और दूसरे लोगों का भी प्रयास था उसमें, लेकिन एक अहम भूमिका निभाते हुए सेकंड फेज का, जिनका 5 तहसीलों में आज पानी आ रहा है, उसमें आपके आशीर्वाद से लोकसभा में पहुंची ज्योति मिर्धा का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। हमने नींव का पत्थर रखा, काम शुरू करवाया, सरकार बदल गई, और आज ये मंत्री और ये मुख्यमंत्री जी हमारे, जिन्होंने कसम खा रखी है कि जो पानी उस टाइम नहर का नागौर तक आया था वो घर घर टूटी टूटी कैसे पहुंचे, ये प्रण लेकर के आज ये सरकार हमारे बीच में आई है। फिर 2014 का समय आया, 2014 के समय कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा, सबके मन में गिड़गिड़ाहट थी कि स्वर्गीय बाबा एक बार 77 में जीत गए थे और तब से बीबीसी बोला दी थी, तो मेरे तो न कद था इतना बड़ा न कुछ, लेकिन पीछे पड़ गए। जो अभी हमारे सामने कैंडिडेट खड़े हुए उनको निर्दलीय के तौर पे हमारे ही कुछ नेताओं ने खड़ा किया, वोट उनको, उनकी तो जमानत जब्त हुई, लेकिन इतने वोट वो ले गए कि 74,000 वोटों से उस टाइम पे मेरी हार हो गई। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, फिर एक बार मोदी लहर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया और ये कैंडिडेट उस टाइम पे गठबंधन में आए और भारतीय जनता पार्टी की ताकत पे जीते, और एक बार हमारा फिर मामला उगड़ी इस बीच रह गया। आज 2024 में मैं आपके सामने हूं, तो वो इसलिए नहीं हूं, कोई कहता है भाई 3 चुनाव हार गए, उसके बाद में क्या ऐसी कला है कि पार्टी वापिस टिकट देकर के आपके बीच में भेजती है। मैं समझती हूं ये आप लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे जितने वोट 2009 में मिले उससे ज्यादा वोट 2014 में मिले, जितने वोट 2014 में मिले उससे ज्यादा वोट 2019 में मिले, और आज तो भाई हम सब एक ही टीम के मेंबर हैं। ताकत इस पार्टी की है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तो तय है कि ये सरकार बनेगी, इसमें किसी को कोई किंतु परंतु लगता हो तो भाई अभी बोल जाओ, कोई ना कोई शक है, नारों का ही अब कड़े 400 रिचपाल जी क्यों जन 10-20-32 हजार जन आपने कहीं लगे, आपनों प्रयास रहना चाहिए कि भाई 400 करती करती 425 भी हो जावे तो भी जोरदार ये मामला। रही बात नागौर की, तो नागौर में आज जिसको कांग्रेस हमेशा कहा करती थी कि नागौर हमारा गढ़ है, आजादी के बाद मेरी ख्याल से आज पहली बार ऐसा मौका है जब 19 तारीख को मत पेटी पे बटन दबाने के लिए जाएंगे तो वो हाथ का पंजे का निशान नहीं होगा वहां पे। ये बताता है कि आज कांग्रेस कमजोर है, यहां एक के सामने दो लड़ते हैं। पहले एक मामला जचा था, वो बाबो गियो बाबा के मोट जोरदार हाथरा उड़ा, बाबा ने कोई काम पड़ गो और गांव जानो जाना, आपके पोता ने कहो कि भाई मोट रुकाल लीजिए, एनीवे मैं जाऊं हांडिया आर चढ़ जावे, बाबो गांव गयो परो हांडिया आया, हांडिया चरे जाना पोतो बट बैठो थोड़ी दाने, बाबो पाछो आयो
पांचों आर देखियो तो हांडिया तो एक ऊपर थली दूजा हूं एक ऊपर कूद एक दूजा अगला मोट चरगा जना पोता ने क्यों भाई कहीं करे क्या बा मोट तो अनु जाई तू हांडिया की जपा जप तो देख जना लाडली बार तो कही है माके नोवाड़ा नहीं बिना मोरी का हांडिया हमारा भतीजा है अगला कहीं हुईगा गैल हुईगा जपा जप देखण में डीजे बाजे और जोरदार नारा लागे और तेजा बाजे जना में अगला भी रुईगा साथे पण अबे कहीं चुड़ाव हराए दिया जना मने घरे भेज दिया। अरे एक बात और कह दी कि जकी गीता में गई जे नागौर के जायल को खिला खियाला को जको गीता में गई जे मायरो कि भाई राज को धन ले जार चौधरी दूजा के भर दियो मायरा में तो उन्होंने चुनाव हराया और उसको एक गलत संज्ञा और दी और उसको बोला कि बुआ जी का मायरा भर दिया। मैं समझती हूं कि इसमें कोई नागौर की शान नहीं बढ़ी। मैंने ईमानदारी से आप लोगों के बीच में हमेशा प्रयास किया है। आपने कभी कोई काम बताया किसानों की बात रखनी थी ट्रैक्टरों के ऊपर से कमर्शियल हटा करके उसको नॉर्मल कैटेगरी में डलवाया तो लोकसभा में बोल के मैंने डलवाने में प्रयास किया और करवाया उस काम को। किसानों को बीज का अधिकार दिलाना था और मोनसांटो जैसी कंपनी को अगर हिंदुस्तान से भगाया तो ये आपकी ज्योति मिर्धा ने भगाया। जो आज भी अगर किसानों को समझाने बैठूं तो कितने फायदे की चीज होती। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाने थे 4 मेगा हाईवे उस टाइम पास हुए। उस टाइम 2 नागौर से होकर के गुजरे। नागौर के अंदर उस टाइम पे अस्पताल बना नया। पूरे राजस्थान में जो पायलट शुरू हुआ अटल सेवा केंद्र का वो नागौर से शुरू हुआ। टाउन हॉल बना सड़क के लिए बिजली के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे लेकर के आए। बहुत से और काम करवाए। मैं आज यही कहना चाहती हूं कि चुनाव है कोई चुनाव चुनौती से कम नहीं होता। इस बार भी 2 पार्टियां मिलकर के लड़ रही है षड्यंत्र चल रहे हैं। कई लोगों को ऐसे समाज को बांटने की कोशिश करी जा रही है। आज ही मैंने देखा कि विशेष तौर से ये कह रहे हैं कि राजपूत समाज को बांटो। किन्हीं के लिए कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़वाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बटते हैं और सीधा सीधा नुकसान किसका होता है भारतीय जनता पार्टी। कैसे ही करके ज्योति को हराओ। चुनाव लड़ने की एक मंशा होती है। चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में प्रयास किए। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है चाहे राजस्थान में हो दिल्ली में केंद्र में सरकार जरूर मोदी जी की आएगी और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी जिम्मेदारी होगी अगर आप लोग मुझे जिता करके भेजते कि मैं आपकी वकालत कर सकूं आपकी पैरोकारी कर सकूं और अगर अपना पहरेदार मजबूत है अगर अपना वकील मजबूत है और अगर सरकार दोनों जगह अपनी है तो मुख्यमंत्री जी से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने क्षेत्र के लिए ला सकते हैं और मोदी जी से भी बहुत सारी चीजें हम हमारे क्षेत्र के लिए करवा सकते हैं। तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा। क्षेत्र बहुत बड़ा है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि शायद क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। मैंने कहा साहब 18,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मैं सब जगह ना पहुंच पाऊं। पहले चरण में हमारा चुनाव हो रहा है। मेरा निवेदन रहेगा मंच पे बैठे सभी नेताओं से मेरा निवेदन रहेगा मेरे सामने विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों साथियों युवा साथियों से कि आप लोग ज्योति मिर्धा बनकर के 19 तारीख तक ग्राउंड पर बूथ पे जहां आपका वर्चस्व है जहां पे भी आपका प्रभाव क्षेत्र है एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में डलवाने का प्रयास करें। आसपास की अगर लोकसभाओं में आपकी रिश्तेदारियां है वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें ताकि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में तीसरी बार एक बार पुनः आए मोदी जी को मजबूती मिले और दिल्ली में जो सरकार है वो परम आदरणीय मोदी जी की दोबारा से बन करके जाए। वैसे तो मोटेनो ज्यादा बात तो नहीं कहूं पर एक कोई समझदार था उसको बोला इसको कि इसको हर सवाल का जवाब पता होता है। एक बाबा के पास गया बाबा के पास बाबा को सिद्धि थी कि वो बता दिया करते थे कि भाई क्या है और क्या नहीं है। तो वो समझदार जो आदमी था उसने देखा आज बाबा के खटके लेता हूं तो एक चिड़कली ने पकड़ मुट्ठी में लेर गयो बाबा कने अरे बाबा इंतजार कियो के बाबा हाथ में कहीं है बाबा की चिड़कली है के बाबा जीवती है कि मरियोड़ी है जना बाबा कियो के भाई आ तो थारे हाथ में है जीवती राखी तो तू ही राखी और मसल काटी जना तू ही मसल काटी।
तो भाई चिड़कली ने जीव ती राख और के मसल काटो, आ ताकत आप लोग कने रो, फैसलो आप लोग ने लेनो है। तो 19 तारीख तक भाई लागे रहो, मारी तरफ प्रयास में कोई कसर कौन राखू। विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी आप लोगों के बीच में रह करके ज्यादा से ज्यादा काम कराने के प्रयास करें, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज को काम वापिस शुरू कराने का काम हो, चाहे वो अस्पताल में सिटी अस्पताल को काम शुरू कराने का काम हो, चाहे और भी कहीं किसी के कोई काम पड़ गए हो। और इस मंच के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, इजाजत हो तो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी एक माइनिंग के ऊपर एक ड्राइव चल रही है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर कोई किसान अपने खेत से भाटे ले जा रहा है छोटे मोटे ट्रेली ट्रॉक्टरों के अंदर, तो उनके ऊपर ज्यादा रोकथाम नहीं करी जाए। जो व्यवस्था आप डंपरों पे और जेसीबीओ पे करना चाहें वो आपकी जिम्मेदारी, वो बड़े लोग हैं, बड़े आदमी है, पर जो दो वक्त की रोटी के लिए छोटा काम करता है उसके लिए आप समर्थन दें। मैं तो यही निवेदन करके समय समय पे आपको परेशान करते रहेंगे, हमारे क्षेत्र की बात आपके बीच में रखते रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपने आज तक हमारा मान सम्मान रखा है, अब हर बात को पूरा करा है, ऐसे ही आगे करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः एक ऐसा जयकारा जिसमें हम सभी की जय बोल दी जाती है, बोलो भारत माता की। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, आओ हम सब मिलकर चले उतारे आरती, भारत माँ की आरती। हम सब मिलकर जब ज्योति जी को जिताएंगे तो भारत माँ की जय जयकार संपूर्ण विश्व में होगी, देश उठेगा अपने पैरों, निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से। सुख सम्मान से जीने के लिए आइए भाजपा के साथ चले। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को, आप पधारे और हम सबको अपने उद्बोधन से आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हमारी लोकसभा के प्रत्याशी बहन ज्योति मिर्धा जी के इस नामांकन रैली में मंच पर विराजमान, कैबिनेट में मेरे साथी भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, जो लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं, कैबिनेट में ही मेरे साथी भाई विजय सिंह जी चौधरी साहब, बहन मंजू माघवाड़ जी, और अभी अभी नागौर के नहीं पूरे प्रदेश के किसानों को नई नीति बना करके किस तरह से किसानों को फायदा दिलवाने का काम करेंगे, ऐसे सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, राज्यसभा में हमारे सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत साहब, इस लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी अशोक सैनी जी, मेड़ता से विधायक भाई लक्ष्मण जी, लोकसभा के संयोजक रमाकांत जी, पूर्व विधायक डेगाना रिक्षपाल मिर्धा जी, पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी जी, पूर्व विधायक सुखराम नितड़िया जी, पूर्व विधायक विजयपाल जी, पूर्व सांसद रामनारायण डूड़ी साहब, हमारे क्लस्टर के प्रभारी प्रसन्न मेहता जी, रामनिवास सांकला जी, हमारे जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ऑडिट साहब,
मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण और नागौर के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजा योग्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये नागौर राजस्थान की हृदय स्थली है। अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे तो नागौर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तेजाजी महाराज, लक्ष्मीदास जी महाराज, जम्मू महाराज जी, केवाय माता जी न सभी का दर्शन करने को मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि नागौर वो क्षेत्र है कि इसने हमारी पहचान दुनिया के अंदर दी थी। हमें पता है जब वो बैलों से खेती होती थी, दुनिया में पर्वत सर का मेला दुनिया में प्रसिद्ध था। लोग यहां आते थे, लोग यहां आते थे, यहां आकर के अपने जीवन यापन करने के लिए यहां से बैल ले जाते थे, यहां पूजते थे और नागौर की मिट्टी से जो बैल कहीं भी देश में जाता था सबसे पहले उसके चरणों की पूजा होती थी। ऐसा मेरा नागौर था। यह नागौर है, यहां के कणकड़ में, यहां के हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की पहचान है। यहां का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है और यहां का जवान सीमा पर 50 डिग्री और 0 माइनस पर बॉर्डर पर रक्षा करता है। ये किसान और जवान की धरती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक कार्यक्रम में माननीय सीआर साहब ने बुलाया था, मैंने कहा था नागौर की बेटियां हमारी बहुत आगे हैं, यहां कोई ना कोई बेटियों के लिए एक अच्छा काम होना चाहिए। और मैंने कहा कि यहां की बेटियां खेलों में भी पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि नागौर के अंदर हमने कहा था कि हम खेल के लिए जो 28 में हमारा 28 में जो हमारा लगातार ओलंपिक होने वाला है उसके लिए हमारी तैयारी हो और वो तैयारी हम नागौर से प्रारंभ करें, ये मैंने उस दिन कहा था। मित्रों मैं कहना चाहता हूं 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 2019 में गठबंधन था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं राजनेता कहीं भी हो लेकिन उसके मन में जनता के बीच करने की कुछ टीस होती है और उस टीस के माध्यम से वो जनता को करना चाहता है। वही बहन ज्योति जी के अंदर है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस जिन मूल्यों के आधार पर बनी थी उनके आधार पर चली नहीं, उस कांग्रेस ने देश के अंदर धोखा और दगा देने का काम किया। उन्होंने समझा कि यह पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसमें किसान का भला किया जाए, गरीब का भला किया जाए, और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के और वो हमारी प्रत्याशी बनी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नागौर का भविष्य आप पर निर्भर करता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए किसानों के लिए अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है किसानों के लिए फायदा दिया है। आपको ध्यान होगा सीकर की उस सभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटों के आरक्षण की बात की तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, और वो देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो देश के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1975 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना का काम अगर प्रारंभ किया तो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया था। यही नहीं मित्रों, हमारे देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो किसान सम्मान निधि से नहीं, किसान की हमारी क्रेडिट कार्ड से लेकर के और हमारे ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर के अगर काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नदियों से नदियों जोड़ने का काम अगर किसी की योजना थी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह सभी योजनाएं किसान से जुड़ी हुई योजना है। ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों। आज आप देखेंगे दुनिया में अगर कहीं देखेंगे 2000 पहले का देश और 2014 के बाद का देश अगर आपको देखना है तो आप देखें। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि 2014 से पहले आए दिन देश में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे, घोटाले इतने बड़े होते थे कि जीरो भी नहीं गिनी जाती थी। आए दिन आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं विस्फोट करके चले जाते थे, यहां तक कि सैनिक का सिर काट करके भी ले जाते थे, तुष्टिकरण के आधार पर चलते थे। लेकिन 2014 के बाद देश की स्थिति बदली है, कोई सिर उठा करके नहीं देख सकता। एक भी घोटाला 2014 के बाद हुआ हो तो आप सभी हैं, 2014 के बाद देश में किसी प्रकार का घोटाला हुआ। आज देश के विकास की अगर हम बात करें, जिसे देश के किसान की हम बात करें, देश के गरीब को अगर फायदा पहुंचाने की बात करें, माता बहनों को अगर सबसे ज्यादा फायदा देने का काम किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर किसान को सबसे ज्यादा फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि ये काम जो आज हमारी 90 दिन की सरकार थी, क्योंकि 90 दिन बाद तो आचार संहिता लग गई थी, मैं आपको कहना चाहता हूं 90 दिन में भी काम किया है वो हमने नहीं, वो आपकी वोट की ताकत ने काम किया है, जो आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को आया और भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई। मैं एक बात नागौर के बारे में और कहना चाहता हूं, 2013 में जब हमारी सरकार बनी थी आपने हमें विधायक जिता करके भेज दिए थे, हमने नागौर से चार चार लोगों को मंत्री बनाया था, चार चार लोगों को मंत्री बनाया था। अभी भी आपने जिता करके भेजा है तो गजेंद्र खीवसर जी भी नागौर के रहने वाले हैं, विजय सिंह जी भी नागौर के हैं, मंजू बागवार भी नागौर से हैं, और चौथे मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में सीआर चौधरी साहब भी नागौर के रहने वाले हैं। इस बार भी चार चार मंत्री नागौर से हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। कई तरह के कांग्रेस के लोग अफवाह में आएंगे, कई तरह के झूठ बोलने का काम करेंगे। मैं आपको नागौर के कुछ पेपर भी लेके आया हूं जो कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है, कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है। ये पेपर भी मैं लेके आया हूं कितनी उन्होंने घोषणा की है। हम आपसे वादा करना चाहते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके बीच में जो बात करके जाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में जो बात हमने कही है, हम आज भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम एक एक हमारे घोषणा पत्र संकल्प पत्र की बात को हम पूरा करेंगे।
एक एक बात को हम पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, हमने कहा था 16 दिसंबर को, और हमने हमारी घोषणा पत्र में भी कहा था कि जिन लोगों ने इन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, युवाओं को दर्द देने का काम किया है, हम उनको बख्शने वाले नहीं है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं है, हम SID गठित करेंगे और इस पेपर लीक का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है वो कितना भी बड़ा मुलजिम हो उसको सलाखों के अंदर करेंगे, सलाखों के अंदर करेंगे। आपसे वायदा किया था, उनमें से 65 लोग बंद हो गए और अभी चालू कार्रवाई चालू है। कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा लेकिन गलत किया है तो सलाखों के पीछे होगा, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अभी RPSC तो बाकी है, CR चौधरी साहब भी उसमें रहे हैं, RPSC का मान बढ़ाया है, देश के अंदर इस RPSC का बहुत बड़ा नाम था, उसके विश्वास का, उसको भी खत्म करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमने 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से 450 रुपए में 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में 6000 रुपए बढ़ते थे, 6000 रुपए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम करते थे। हमने वायदा किया, पहली किस्त हमने 2000 रुपए बढ़ा करके हमने 8000 करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं सम्मान निधि कौन देता था, सम्मान निधि कौन देता था, कौन देते हैं सम्मान निधि? मोदी जी देते हैं ना, केंद्र की सरकार देती है कि नहीं देती? हाथ तो खड़े करो, केंद्र की सरकार देती है ना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी के पिताजी का देहावसान हो जाता है तो उनके बेटे 1, 2, 3 बेटे होते हैं तो उनका दाखिला नहीं खुलता है, नामांतरण नहीं खुलता है क्या? नामांतरण खुलता है कि नहीं खुलता है? अगर उनको उनको तो इसलिए नहीं मिल रही कि उनके पिताजी चले गए, उनको इसलिए नहीं मिल रही कि जब नामांतरण खुलता है तो उसकी सूची केंद्र सरकार ने मांगी कि आप वो सूची भेजिए। इस राजस्थान की सरकार ने उस सूची को भी केंद्र में नहीं भेजा, 60,000 से ऊपर वो सूची हमने भेज करके नए 60,000 किसानों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं मैं, हमने कहा गेहूं की MSP बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने पहली किस्त में 2275 रुपए से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमने जिस तरह के हमारे पानी को लेकर के हमारे एमयू हुआ है, 21 जिले हमारे ERCP से जुड़ने वाले हैं, 3 जिले हमारे बहुत ही ऐसे जिले जहां पानी की कमी है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। हमने कहा हम इनको जोड़ना चाहते हैं, यमुना का हमारा समझौता, हमारा वहां चंबल का समझौता होगा, यमुना के भी समझौता हम करने वाले हैं। हमने कहा अधिकारियों से, मैंने कहा आप अपने पेपर तो निकालिए हमें दीजिए, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब हमने भी यमुना समझौता के लिए काम किया है, हम भी यमुना समझौता करना चाहते हैं। हमने कहा पेपर निकालिए, पेपर निकलवाए, हमने देखा उन्होंने एक भी पत्र किसी को नहीं लिखा, ना हरियाणा सरकार को लिखा, ना केंद्र की सरकार को लिखा। अगर कोई पत्र लिखा 1994 में लिखा, और वो भी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा, कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने यमुना पर एक पत्र भी नहीं लिखा। कहते हैं कि समझौता के लिए हम भी घूम रहे थे,
हम ईआरसीपी का समझौता करके आए तो उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं हुआ। मैंने कहा आप बताओ कैसे होगा, आपके पास कोई पेपर हो तो वो ले आओ, आपने कहां का समझौता करने की बात कही है। हमने वो भी किया और मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यमुना समझौता भी किया और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब मनोहर खट्टर जी से जब मुख्यमंत्री थे उनसे कहा तो उनका तीसरे दिन फोन आया कि आइए समझौता करेंगे। उन्होंने कहा कि तीन पाइपलाइन आपकी जाएंगी, एक पाइपलाइन हमारी भी जाएगी और राजस्थान के तीनों जिलों को पीने का भी पानी मिलेगा, सिंचाई का भी पानी मिलेगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी ज्योति जी कह रही थी नागौर के लिए भी पानी, मैं आपको कहना चाहता हूं नागौर को भी पानी आएगा, नागौर को भी पानी आएगा। उसकी भी मैं कहानी आपको बताना चाहता हूं क्योंकि यह इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर ये हिमाचल से आती है, पोंग डैम है जहां बड़ा डैम है उससे पानी आता है। 1984-85 में बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के कारण पंजाब में बड़ी दिक्कत हो गई थी, बड़ी परेशानी हो गई थी। उस पोंग डैम में 10 फुट नीचे उन्होंने ये लिख दिया, अधिकारी थे वहां के, 10 फुट इस बांध को खाली रखा जाए। उन्होंने वो हमेशा 10 फुट बांध को खाली रखा क्योंकि उसमें राजस्थान का हिस्सा पानी का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वो पानी बाड़मेर तक और जैसलमेर तक भी जाता है। हमने हमारे आर के सिंह जी हमारे बिजली मंत्री, क्योंकि उनके अंडर में वो आता है, उनको हमने निवेदन किया कि ये 10 फुट है, इसको हमारा पानी इसमें रुकता है, इसलिए इस पानी हमारा कम हो जाता है, इसलिए इसको बढ़ाने का काम करें। आर के सिंह जी ने कहा कि निश्चित रूप से हम इसको बढ़ाएंगे, अगर उसमें हमारा हिस्सा बढ़ता है तो हमारा वो पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर को वो पानी छूने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं उस पानी को भी बढ़वाएंगे और नागौर प्यासे नागौर को भी और जैसलमेर और बाड़मेर को भी पानी पिलाने का काम करेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, काम करना बड़ी बात नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, काम करने का मन हो, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी को कि वो किसानों की हमेशा भलाई की सोचते थे। अगर इस देश के अंदर किसानों के बारे में सोचा है तो या तो चौधरी चरण सिंह जी ने सोचा है या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा है और या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। कभी किसी ने किसानों की परवाह नहीं की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये मेरे मुल्क के मालिक, जो मुल्क का मालिक है वो दर दर की ठोकर खा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब कानून बनाने वाले उच्च पदों पर जब तक किसान का बेटा नहीं पहुंचेगा, जब तक किसान का भला नहीं हो सकता, जब तक किसान का भला नहीं हो सकता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके दर्द को समझने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने दर्द देखा है, गरीबी देखी है, जिन्होंने किसान का दर्द भी देखा है, जनता का दर्द भी देखा है, उन्होंने एक एक बात आप देखेंगे तो उन्होंने किस तरह की एक एक बात रखी है। उन्होंने कहा देश में चार जातियां हैं, उन चार जातियों में पूरा समाहित कर दिया, मजदूर, किसान, महिला और युवा। आप देखेंगे जो हमारी माता बहने हैं कितना कष्ट सहती थी, क्या किसी को पता नहीं था? 70 साल की आजादी के बाद किसी को पता नहीं था कि माता बहनों के क्या कष्ट हैं? अरे जब वो शौच के लिए जाती थी, रात्रि का इंतजार करती थी और सुबह भोर होने से पहले जाती थी, इस शौचालय बनाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बारिश के समय में जब ईंधन गीला हो जाता था, माता बहने फूंक देते थे तो परेशान हो जाती थी, धुआं उनके फेफड़ों में भी जाता था, आंखों में भी जाता था। अगर उज्ज्वला का कनेक्शन देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देखते हैं, आपने देखा होगा कई मेरे बुजुर्ग
यहां बैठे हैं, गांव से निकले हैं, जब पढ़ाई करते थे गांव में टिम टिम जलाते थे, किसी सीसी के ढक्कन में छेद करते थे, उसमें बत्ती डालते थे, मिट्टी का तेल डालते थे, उसको जलाते थे, घर भी काला हो जाता था, आंखें भी खराब होती थी, कमरे को बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें धुआं हो जाता था। घर घर अगर लट्टू देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों एक एक छोटी बात, अब अभी देख रहे हैं नल से जल देने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप देख रहे होंगे उनको कितना ध्यान है, मेरे गांव का किस तरह से किसान किस तरह से रहता है। और मैं यही कहना चाहता हूं, इन लोगों ने गांव और शहरों की दूरी भी बढ़ा दी, गांव और शहरों की दूरी यह बढ़ा दी। आज 70 साल के बाद भी गांव में शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है, सड़क का अभाव है, बिजली का अभाव है। ये क्यों? अरे जो हमारे बाद में जो देश आजाद हुए थे वो देश कहीं से कहीं पहुंच गए, लेकिन यहां इस देश के अंदर भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आधार पर लोगों ने राजनीति की थी, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आधार पर। मित्रों मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है, एक एक वोट आपका है, और ये जो ताकत माननीय मोदी जी को दे रहा है वो आपका एक एक वोट दे रहा है, एक एक वोट दे रहा है। हम कहते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे घोषणा पत्र के अंदर था कि हमारी सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, हम धारा 370 हटाएंगे। हमारा वादा था कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। सरकार आते ही धारा 370 को भी हटाया और राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, और आपने 22 जनवरी को रामलला के उद्दीप और भव्य मंदिर में प्रतिष्ठा होते हुए भी देखी होगी। देश नहीं दुनिया ने देखा, और दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या बनने वाला है। मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन आदताइयों ने हमारी संस्कृति को समाप्त करने का काम किया, उस संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। चाहे हमारा बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर हो, वहां कॉरिडोर बनाया हो, मां लोककाल हो, हमारा तीर्थ स्थान केदारनाथ बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, कोई भी तीर्थ स्थान हो, उसको भव्य और दिव्य बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आपने देखा हो 2014 के बाद बदलती हुई परिस्थिति आपने देखी हुई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, वो 1893 में उन्होंने कहा था। आप धीरे धीरे देख रहे हैं दुनिया में जिस तरह से भारत का मान और सम्मान बढ़ रहा है, दुनिया में भारत का डंका पुज रहा है। यही नहीं देश में भी अर्थव्यवस्था 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी और आज 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था है, और 2027 तक 3रे स्थान पर होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा ये विकसित भारत 2047 तक, विकसित भारत हमारे जब 100 साल पूरे होंगे, दुनिया में भारत सबसे नंबर एक होगा, दुनिया का मुकुट भारत होगा, दुनिया में जय जयकार भारत की होने वाली है। जो कहते थे ना पहले नंबर का अगर कोई देश होगा दुनिया में तो वो भारत होगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, गर्मी का मौसम है, हमने कहा है कि जहां किसानों के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी किसी तरह का कनेक्शन नहीं कटे, किसी तरह के पानी की हमारे किसानों को दिक्कत नहीं हो, पीने के पानी की दिक्कत नहीं हो, पूर्ण रूप से पानी मिले, ये हमने वायदा किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं मित्रों, हमने जो आपके बीच में हमारे संकल्प पत्र रखा है, फिर हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम
हम करने वाले हैं। ये छोटी मोटी परेशानी है माननीय हमारे ज्योति जी ने बताई है, माननीय हमारे सीआर साहब ने बताई है। आपसे कहना चाहते हैं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि किसान के दर्द को, किसान के मान को, किसान के सम्मान को हम समझते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है, प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी आने वाली है। आने वाले समय में गुजरात से लेकर के पंजाब तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो राजस्थान है, जहां भी किसी तरह की कोई समस्या होगी, उन समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। और आपसे एक ही मैं कहना चाहता हूं मित्र, हमारे जो यूथ है, युवा है, उसको जो मौका मिलना चाहिए वो मौका नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं हमारा युवा आगे आए, जिससे हमारे राजस्थान का ग्रोथ हो, हमारा राजस्थान आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि किसान का बेटा निराश नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं किसान जब अपने बेटे को पढ़ाता है तो कहां कहां से पैसा लेकर के आता है। ये कांग्रेस के लोग उसका सपना तोड़ने का काम करते हैं, हम सपना बनाने का काम करते हैं। जिस भाई ने जो सपना देखा है, हम कहते हैं कि निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। 19 तारीख को आपका लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, ये लोग आने वाले हैं, कई तरह के आपको सपने भी दिखाने वाले हैं, कई तरह की झूठ भी बोलने वाले हैं, और कई तरह से आपको गुमराह भी करने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 19 तारीख को हमें बड़ी संख्या में, कोई भी बूथ हमारा ऐसा नहीं हो जहां हमारा कमल का फूल नहीं खिले। हर जगह कमल का फूल खिलाना है और इस नागौर लोकसभा को ज्योति जी के एक फूल के रूप में, और फूल भी वो जो ऐसा खिला हुआ हो जो देख करके प्रसन्न हो जाए, कम से कम 5 लाख वोट से ज्यादा से जिताकर ज्योति जी को लोकसभा में भेजना है, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा, नागौर का विकास भी होगा और इस राजस्थान का विकास भी होगा। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, नागौर देहात के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ऑडियंस से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापित करें श्री गजेंद्र सिंह जी ऑडियंस। डॉक्टर